सीरिया की दौलत लूट रहा अमेरिका इराक में अमन और शांति का हामी नहीं है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में दमिश्क सरकार की ओर से बार बार मांग किए जाने के बाद भी अमेरिका इस देश में अपनी गैर कानूनी मौजूदगी और आतंकियों की ट्रेनिंग के अड्डे बंद नहीं कर रहा है। यही नहीं, अमेरिका सीरिया में अपनी आतंकी गतिविधियों को कम नहीं कर रहा है, बल्कि वह लगातार सीरिया की धन संपदा को लूटने में लगा हुआ है। कहा जा रहा है कि पिछले कुछ समय से इस काम में बहुत तेजी भी आ गई है। आए दिन अमेरिका सीरिया के पेट्रोलियम पदार्थ को लूटकर पड़ोसी देशों के रास्ते तस्करी कर रहा है। ताज़ा मामला हस्का शहर का है, जहां से अमेरिकी सेना ने सीरिया के गैसलीन और पेट्रोलियम पदार्थों को कई टैंकर्स में भरकर उत्तरी इराक में अपने आतंकी अड्डों तक पहुंचाया है। जुमेरात की शाम को ही अमेरिकी सेना ने हस्का शहर से 15 टैंकर्स को अलवलीद रोड के रास्ते उत्तरी इराक पहुंचाया है, जबकि उससे ठीक दो दिन पहले 85 टैंकर्स को अल महमूदिया मार्ग के जरिए से सीरिया से ले जाया गया था। सीरिया में वहाबी गुट ISIS की हार के बाद अमेरिकी फौज ने खुद को अपने इस सहयोगी संगठन की जिम्मेदारियां संभालते हुए जमकर सीरिया की दौलत को लूटना और स्मगल करना शुरू कर दिया है। अमेरिका और उसके सहयोगी कुर्द विद्रोही संगठनों के खिलाफ सीरिया की आम जनता का गुस्सा बढ़ता ही जा रहा है। आए दिन अमेरिकी सेना और उसके आतंकियों को आम जनता के हमलों और विरोध का सामना करना पड़ रहा है। दूसरी ओर सऊदी अमेरिकी हस्तक्षेप के कारण राजनीतिक संकट से गुजर रहे इराक में भी अमेरिका की नकारात्मक भूमिका को लेकर अब तक उसके सहयोगी रहे सुन्नी दलों में गुस्सा बढ़ रहा है। इराक की पार्लियामेंट के स्पीकर पद से हाल ही में इस्तीफा देने की पेशकश करने वाले प्रभावशाली सुन्नी नेता मोहम्मद अल हलाबूसी ने कहा कि इराक में अमन और शांति से अमेरिका को कोई लेना देना नहीं है। हमारे देश की शांति और अमन अमेरिका की प्राथमिकता में नहीं है। वाशिंगटन के खोखले दावों के बारे में बात करते हुए मोहम्मद अल हलाबूसी ने कहा कि सच ये है कि अमेरिका इराक की कोई मदद नहीं कर रहा है। वो मीडिया में प्रचार पाने की हद तक इराक की मदद के दावे करता है, जबकि इसका सच्चाई से कोई रिश्ता नहीं है।